दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को जय गंगे माता। आज 12 जनवरी है और मैं इस समय हरिद्वार में हूँ और ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड है और हरिद्वार में ऐसा लग रहा है मानो हम मसूरी में खड़े हों। बहुत ज़्यादा ठंड इस समय हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड में हो रही है। हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम हर की पैड़ी में पहुँचे और आपको दर्शन कराएं, पर धीरे धीरे करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हरिद्वार के हर की पैड़ी से ताज़ा दर्शन कराने वाले हैं। धूप अभी तक नहीं दिख रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है। हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे से आप लोगों को हरिद्वार के हर की पैड़ी से दर्शन कराएंगे और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी हम दिखाएंगे। तो थोड़ा सा समय हमें भी दीजिए क्योंकि हम आप सभी को दर्शन कराने के लिए ही हर की पैड़ी में पहुँचे हुए हैं। तो आइए कैमरे को स्विच करते हैं और आपको सुंदर दृश्य दिखाते हैं। सबसे सुंदर दृश्य आपके सामने है, ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट को देख सकते हैं। आज जो है सबसे ठंडा दिन है, तो कह सकते हैं कि ठंड का कहर जो है वो उत्तराखंड में जारी है, जिसमें से हरिद्वार ऋषिकेश में इतनी ठंड है तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों का क्या हाल होगा। दोस्तों पहले हम आपको गंगा जी के अच्छे से दर्शन कराते हैं, उसके बाद सभी घाटों पर ले चलेंगे। गंगा जल में जो रेत की मात्रा दो दिन पहले आ रही थी वो अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। अच्छे से आप लोग माँ गंगे के दर्शन करें। सभी लोग कमेंट में जय गंगे माता लिखते जाएं। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कड़ाके की ठंड है इस समय। अगर आप हरिद्वार यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, बच्चों को लेकर आना चाहते हैं, तो कुछ दिन रुक जाएं, अभी यात्रा करने से बचें। बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे बार बार इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि नॉर्मल से कहीं ज़्यादा ठंड हो रही है इस समय हरिद्वार में। आइए दूसरे घाटों पर ले चलते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ट्वेल्थ जनवरी के दिन मैं इस समय हरिद्वार में हूँ, हर की पैड़े में हूँ। समय की बात करें तो लगभग 11 बजे के दृश्य देख रहे हैं। धूप अभी तक बिल्कुल भी नहीं निकली है और नज़र भी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है आज के दिन तो धूप को भूल जाएं। इस तरफ देखिए आप लोग, बड़ी धारा के दृश्य देख सकते हैं। आज गंगा जल ठीक ठाक नज़र आ रहा है। कल के दिन गंगा जल जो है रेलिंग के अंदर नहीं था, लेकिन आज रेलिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा गंगा जल दिख रहा है। सच में ये जो ठंड पड़ रही है ये आने वाले मकर संक्रांति स्नान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। बहुत सारे लोग इस ठंड की वजह से हो सकता है अपना प्लान जो है वो कैंसिल करें। अगर धूप निकल जाए तो भी ठंड से राहत मिल जाती है, बट बिल्कुल दिन पूरा निकल जाता है और धूप देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। और अब ऐसे भी दो दिन बचे हैं, आज 12th हो गई, 13 और उसके बाद 14। आइए आपको नाई घाट की ओर ले चलते हैं और कुछ दृश्य वहाँ के दिखाते हैं। आजकल जो भी श्रद्धालु गंगा जल में स्नान कर रहा होगा बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं। आसान नहीं है, कम से कम पहली डुबकी लगाना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ से देखिए नाई घाट के सामने मैं इस समय मौजूद हूँ। पतित पावनी माँ गंगे के दर्शन आप सभी लोग हरिद्वार से कर रहे हैं। आज की एक ताज़ा वीडियो है, मोबाइल हाथों में हमने पकड़ रखा है और पूरी तरह से हाथ गले जा रहे हैं इस समय। आइए आप सभी को मनसा देवी मंदिर दिखाते हैं। आप लोग कमेंट में जय मनसा देवी लिखना, जय माता दी लिखना और वीडियो को शेयर करना। ये देखिए आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा मनसा देवी मंदिर, धुंधला सा नज़र आ रहा होगा। गौर करके देखेंगे तो हल्का हल्का, क्योंकि पहाड़ों में धुंध छाई हुई है इस वजह से मंदिर नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है कमेंट करके बताइए हमें।
दोस्तों, अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार हरिद्वार की, ऋषिकेश की वीडियो लाते रहते हैं। ये देखिए, गंगा जल की लहरों को देखिए आप लोग, पवित्र है ये जल। आप सभी दर्शन करें, जय गंगे माता लिखते जाएं। दोस्तों, अब मैं आप सभी को लेकर मालवी घाट की ओर चल रहा हूं, और मालवी घाट और महिला घाट के कुछ दृश्य आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखना है और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन को अगर हम इस ठंड का सबसे ठंडा दिन भी कहेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि आज का जो दिन है ये इस ठंड का सबसे ज़्यादा ठंडा वाला दिन होगा। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि हरिद्वार जो है मसूरी का रूप ले चुका हो। मसूरी में ऐसे ही धुंध रहती है और गलन कड़ाके की ठंड रहती है। और ये है मालवी घाट, जिसे मालवी द्वीप भी कहते हैं। श्रद्धालु की बात की जाए तो श्रद्धालु आज कम नज़र आए हैं। कल के दिन तो इससे कहीं ज़्यादा लोग थे, लेकिन आज कम हुई है श्रद्धालुओं की संख्या। और देखना ये होगा कि मकर संक्रांति स्नान में क्या यहाँ हाल होगा, कितने लोग आएंगे। और अब सामने देख सकते हैं महिला घाट। दोस्तों, जब भी आप हरिद्वार आते हैं या ऋषिकेश जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो सफाई का विशेष ध्यान रखें आप लोग। आप लोगों से बार बार मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है, सफाई रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ये गंगा जल भी शुद्ध तब तक ही है जब तक आप लोग सफाई रखेंगे। इस जल को जितना पवित्र आप रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करें। घाट को, गंगा जल पर कुछ भी ना फेंके, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस जगह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है गंगा जी के किनारे बैठना, गंगा जी की लहरों को देखना, दर्शन करना। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है, यात्रा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है, आप लोग वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आइए बड़ी धारा की ओर चलते हैं, जहां पर माँ गंगे की एक सुंदर सी प्रतिमा है, वहां के दर्शन हम आपको कराएंगे। ये देखिए, ये है माँ गंगे की एक सुंदर सी प्रतिमा, और भोलेनाथ जी हैं। अक्सर हम ये वीडियो में दिखाते हैं। ये देखें, इस तरफ देखें भोलेनाथ जी। हर हर महादेव सभी लोग लिखेंगे, जय माता दी लिखेंगे, जय श्री राम लिखेंगे। दोस्तों, ये थी 12 जनवरी की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर बनता ही है, आप लोग करते जाएं। जो लोग हरिद्वार आने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में पता चल सके। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें, आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।